उरी में उन्होंने एक कांड कर दिया, 12 जवानों को जिंदा चला दिया। बड़े सवेरे तड़के वो सोते थे, उनको लड़ने का मौका भी नहीं। पूरे देश के अंदर हताशा, निराशा, गुस्सा, क्या होगा। 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, हमारे रणबांकुर एक पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करकर अपने जवानों की हत्या का बदला लेकर वापिस आए। ये जवाब पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये जवाब था देश में बैठे उन नेताओं को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े किए थे। साल 2016 में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में निहत्थे सैनिकों पर कायराना हमला किया था। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान की तरफ से हुए आतंकी हमले में भारत के 19 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों के जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हमले के विरोध में 29 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया था और दुनिया के सामने मिसाल कायम की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार सुबह से हम देख रहे हैं हेलीकॉप्टर जो है सेना का वो लगातार यहाँ पर जो सेना के जवान इंजर्ड हुए हैं उनको लेकर श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल जा रहा है और इसी के भीतर 10 डोगरा यूनिट है उसकी एक कंपनी है इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के भीतर, उसी पर ये आतंकवादी हमला जो है वो हुआ है। कि देख लो हिंदुस्तान कैसे आतंकवादियों से बदला ले सकता है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के 38 आतंकवादी मारे गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक पर उस समय जमकर सियासत हुई थी, विपक्ष ने सवाल उठाते हुए इसे फर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक कहा था। कई बड़े नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो पहले ही आलोचना के मुंह बंद कर चुका है, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करने वालों का मुंह बंद कर दिया। अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए शाह ने कहा, दुनिया में अब तक दो ही देश अमेरिका और इजराइल इस कला में माहिर माने जाते थे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत देश ने इस कतार में शामिल हो चुका है। दुनिया ने पहली बार देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने अपने जवानों की हत्या का बदला लिया। उरी में उन्होंने एक कांड कर दिया, 12 जवानों को जिंदा चला दिया। बड़े सवेरे तड़के वो सोते थे, उनको लड़ने का मौका भी नहीं। पूरे देश के अंदर हताशा, निराशा, गुस्सा, क्या होगा। अब मोदी जी भी क्या कर सकते हैं, हम सब भी सकते में पड़े थे। मगर मित्रों, इस बार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, हमारे रणबांकुर एक पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करकर अपने जवानों की हत्या का बदला लेकर वापिस आ गए। अमित शाह का जवाब उन सभी आलोचकों के लिए था जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे।